प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की तरफ से दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ने लगा है, जिससे अरब देश भी नाराज हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी देशों को ये साफ कर दिया कि नुपुर के बयान का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या अरब देशों की इस नाराजगी का भारत पर कोई असर पड़ेगा? देखते हैं खास रिपोर्ट। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत, इराक और यूएई समेत कई अरब देशों ने आपत्ति जताई है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। पहले जानिए क्या है मामला। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 27 मई को एक नेशनल टीवी चैनल पर नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर विवाद हो रहा है। 1 जून को महाराष्ट्र में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। 2 जून को महाराष्ट्र में ही दूसरा मामला भी दर्ज किया गया, जिसके बाद पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए उन्हें प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है। क्या भारत पर पड़ेगा असर? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के तौर पर उभरा है। इस GCC में सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। 2021-22 में संयुक्त अरब अमीरात भारत का 3रा सबसे बड़ा, सऊदी अरब 4था सबसे बड़ा, इराक 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कतर की बात करें तो यह भारत के कुल व्यापार का सिर्फ 1.4% है, लेकिन प्राकृतिक गैस के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। भारत कितना तेल आयात करता है? भारत की 84% से ज्यादा पेट्रोलियम मांग आयात से पूरी की जाती है। भारत ने 2021-22 में 42 देशों से कच्चा तेल खरीदा, जो कि 2006 और 7 के 27 देशों से ज्यादा था। भारत के तेल आयात के टॉप 20 देशों का भारत के तेल आयात में 95% से ज्यादा का योगदान है और टॉप 10 देशों का 80% से ज्यादा योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।